हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आवर क्लासेस। तो आज हम मैं आपको प्रश्न कौशल के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ कि प्रश्न कौशल के अंदर और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पिछली वीडियो में नहीं बता पाया, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो देखते हैं प्रश्न कौशल क्या है। तो प्रश्न कौशल में क्या करते होते हैं, कभी भी आपको लेसन बनाना होगा तो सबसे ऊपर आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय और कलांश। ठीक है, अगर प्रश्न कौशल बनाते हैं तो समय आपका सिर्फ 5 मिनट या 5 से 7 मिनट रखा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लेसन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या क्रिया या छात्र क्रिया। तो इसमें शिक्षण बिंदु जैसे हमने लिया राजस्थान के भौतिक विभाग, तो राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में आपको कम से कम 10 से 12 लाइनों के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन से, उनके नाम लिखने हैं, फिर उन चारों विभागों की 2-2 या 3-3 मुख्य मुख्य बातें लिखनी है जिससे कि क्वेश्चन बनाया जा सके। इसके अंदर वही लाइंस को ज़्यादातर ऐड किया जाता है जिससे कि क्वेश्चन बनाया जा सके। और इस प्रश्न कौशल के अंदर कम से कम आपके पास 5 से 7 क्वेश्चन आपके बनने ही चाहिए। और इस प्रश्न कौशल में आपके जो क्वेश्चनिंग स्किल है, मतलब कि आप बच्चों से किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हें किस तरह से उत्तर देंगे, उन सभी बातों का ध्यान दिया जाता है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे आपने प्रश्न पूछा राजस्थान के भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, तो बच्चों ने राजस्थान के भौतिक विभाग बता दिए कि ये राजस्थान के भौतिक विभाग हैं, तो उन्हीं राजस्थान के भौतिक विभागों के नाम आपको कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करने होते हैं जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो उसके बाद बहुत प्रश्न में राजस्थान के भौतिक विभाग कितने होते हैं, तो आप वो बच्चे कहेंगे 4, तो आप उनको वापस रिपीट करेंगे कि 4। इस तरह से बच्चों की भी रिवीजन हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्नों के प्रकार कि मतलब कि अगर आप लेसन भी बनाएंगे तो लेसन के अंदर आपको प्रश्न किस तरह से पूछने हैं या प्रश्न कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आते हैं पुनरावर्ती प्रश्न, मतलब कि जो आपने पहले क्वेश्चन पूछे होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बीच में से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको रिपीट करने होते हैं जिन्हें पुनरावर्ती प्रश्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, तो मूल्यांकन प्रश्न के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो आपको बताते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में सबसे पहले आते हैं विकल्प वाले प्रश्न। विकल्प वाले कैसे, जिसमें ए बै सैद दिया होता है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है रिक्त स्थान, कि आप कोई भी एक लाइन दे देंगे उसके बीच में रिक्त स्थान भरने को बच्चों से कहेंगे। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है ये कम से कम 1 या 2 वर्ड का होना चाहिए, मतलब इसका जो उत्तर है वो 1 या 2 वर्ड का होना चाहिए। और लघु उत्तरात्मक प्रश्न है ये कम से कम 20 से 30 शब्दों का होना चाहिए और निबंधात्मक 4 शब्दों का होना चाहिए। तो लघु उत्तरात्मक के 2 प्रश्न पूछेंगे, निबंधात्मक का 1 क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में बच्चों को गृह कार्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।